क्या आप अपनी ज़िंदगी में एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म करना चाहते हैं? तो फिर इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी आदतों को चेंज करने के बारे में बताऊंगी, जिनको बदलने से आपकी ज़िंदगी फिर से खुशहाल बन जाएगी। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। पहली आदत जो आपको बदलनी है वो ये है के खाने को इरेगुलर समय पे मत खाइए। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक अलग चीज़ है, लेकिन हर रोज़ खाने को गलत समय पे खाना, कई कई घंटों बाद खाना, ये आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जैसे ही हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है तो हाइपोग्लाइसीमिया के वजह से हम चिड़चिड़े बन जाते हैं, हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करता, दिमाग को चक्कर जैसा महसूस हो सकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इसलिए नियम से कुछ ना कुछ खाते रहिए जो हेल्दी हो। दूसरी चीज़ जो आपको अपनी ज़िंदगी में बदलनी है वो ये है कि चीनी का इस्तेमाल ख़त्म कर दीजिए। हाँ, सिर्फ कम नहीं, ख़त्म कर दीजिए। देखिए, चीनी हमें इंस्टेंट प्लेजर तो देता है, लेकिन ऐसा बहुत सारे रिसर्चर्स मानते हैं और उनके शोध ने प्रूफ भी किया है कि चीनी लॉन्ग टर्म में हमारे ज़िंदगी में सिर्फ वेट गेन ही नहीं लाता, डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी लाता है। चीनी को रिप्लेस कर दीजिए शुगर सब्स्टिट्यूट से। चीनी खाने के बदले बेहतर होगा अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो आप फल खाएँ और मीठे ड्राई फ्रूट्स खाएँ। तीसरी आदत जो आपको बदलनी ही चाहिए वो है सारा दिन एक ही जगह पे बैठे रहना। चाहे आप सारा दिन कंप्यूटर के सामने वर्क फ्रॉम होम का काम कर रहे हैं, या एक ही जगह पे पढ़े रह के टीवी देखे जा रहे हैं, या बिस्तर पे बैठ के मोबाइल को स्वाइप किए जा रहे हैं, वीडियोस देखे जा रहे हैं, एक ही जगह बैठे रहना आपके शरीर के लिए अच्छा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, आपके मोबाइल में एक अलार्म लगाइए कि हर डेढ़ घंटे में या हर घंटे में आपका मोबाइल बज़ करने लगेगा। जैसे ही बज़ करेगा आपका मोबाइल, वो एक इंडिकेटर है कि आपको अपनी जगह से उठना है और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेना है। थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर लेने से आपके शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे और आप बेहतर महसूस करेंगे। जैसे ही आप बेहतर महसूस करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके दिमाग की विचार शक्ति भी बढ़ गई है, साथ ही साथ आप खुश महसूस कर रहे हैं और आप बेटर चॉइसेस ले पा रहे हैं। अपने आप के ऊपर एक और मेहरबानी करना और न्यूज़ देखना बंद कर देना। अगर आपको जानकारी ही चाहिए तो न्यूज़ पढ़िए, लेकिन न्यूज़ देखिए नहीं। घंटों तक जब भी हम न्यूज़ देखते हैं तो देखिए, न्यूज़ बने ही होते हैं इसलिए ताकि वो हमारे अंदर एक इमोशन को उत्तेजित कर पाए। न्यूज़ हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशन को उत्तेजित करने के लिए नहीं बनते, न्यूज़ बनते हैं हमें गुस्सा दिलाने के लिए, न्यूज़ बनते हैं हमें डराने के लिए। तो अगर हर रोज़ आप डर और गुस्से का हैवी डोज लेंगे तो फिर आप पॉजिटिव कैसे महसूस कर पाएंगे? इससे काफ़ी हद तक अच्छा होगा कि हर रोज़ आप ऑडियो बुक सुनें, हर रोज़ आप मोटिवेशनल वीडियोस देखें। इससे आप नोटिस करेंगे कि 6 महीने में ही आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। 5वीं आदत जो आपको बदलनी चाहिए वो है बिस्तर पे लेटे लेटे सोते वक्त मोबाइल स्क्रीन को देखना। अगर आप मोबाइल स्क्रीन को देखते ही रहेंगे तो आपका ब्रेन शांत होने का मौका नहीं पाएगा। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे तो बस मोबाइल देखते देखते ही नींद आती है। अगर मोबाइल देखते देखते आपको नींद आ भी गई तो भी आपकी नींद की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी होगी। सो जाने के लिए हमारे मस्तिष्क के शांत हो पाने की क्षमता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारा मस्तिष्क शांत हो पाता है, जब वो मोबाइल स्क्रीन के ब्लू लाइट से बच जाता है, तब जाके ही वो आसानी से सो पाता है। कई सारे वैज्ञानिक इस बात को रेकमेंड करते हैं कि शाम होते ही आपको अपने मोबाइल को नाइट मोड पे या ब्लू स्क्रीन से बचने वाले मोड पे लगा देना चाहिए। अगर बिस्तर पे मोबाइल नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे? तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे।
आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप सोने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे आपका शरीर भी शांत होगा, आपका मन भी शांत होगा और आपको चैन की नींद आएगी। छठी आदत जो आपको बंद कर देनी चाहिए वो है खूब ज़्यादा स्टिमुलेंट्स पीना या अल्कोहल पीना। अगर आप दिन में कई बार कॉफ़ी पीते हैं, कई बार चाय पीते हैं या दिन में एक बार अल्कोहल पीते हैं तो इस आदत से आपको बचना चाहिए। अगर आपका शरीर इन सारे स्टिमुलेंट्स से उत्तेजित रहेगा तो शांत कैसे होगा? इन सारे स्टिमुलेंट्स के वजह से लॉन्ग टर्म में आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। अल्कोहल एक स्टिमुलेंट नहीं है, लेकिन अल्कोहल एक डिप्रेसेंट ड्रग है जो लॉन्ग टर्म में इंसान के शरीर को क्षति तो पहुंचाता ही है, लेकिन डिप्रेशन का कारण भी बनता है। तो अगर आप ये नहीं पिएंगे तो क्या पिएंगे? आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप नींबू पानी पिए, ग्रीन टी पिए या फिर स्मूदीज़ को पिए। देखिए, एक अगर बुरी आदत को हम रोक नहीं सकते तो अच्छी आदत को बढ़ा तो सकते हैं। दिन में अगर आप ग्रीन टी या स्मूदीज पीने के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि बुरी आदतों की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। आखिरी आदत जो आपको बदलनी चाहिए वो है स्कैर्सिटी पे फोकस करना रोक दो। यानी कि मेरे पास मौके नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को कहेंगे कि आपके पास चीज़ें नहीं हैं, आप उतने ही ज़्यादा डेस्परेट हो जाएंगे। आप अपने आप से कहने लगिए कि आपके पास बहुत सारी मूल्यवान चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा आप अबंडेंस पे फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि आप जेनरस बन रहे हैं। उदारता के वजह से आपके रिलेशनशिप्स बेहतर बन रहे हैं। अगर आप फोकस करने लगेंगे कि आपके पास अबंडेंस है तो आप डेस्परेट नहीं रहेंगे, आप हर चीज़ को शांत मन से कर पाएंगे। इन सारी स्ट्रैटेजीज़ को अपने लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। सारे एक साथ नहीं तो एक एक करके उतारने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें तभी पता लगेगा जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि सबका भला हो, दूसरों का भी, आपका भी और हमारा भी। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद। तो देखते ही नींद आता है। इगली धारा पड़े पड़े तू ही कुत्ता रखे हो के बाद तो थोड़ी पड़ो।